Hi everyone, welcome to Rest to IIT. So my dear friends, today I am here to discuss about shortcut of differentiations. Differentiation shortcut for your forthcoming JEE main website, state JEE, NDA, NA, clear comment, MSET, sare sets exams and sare JEE entrance exams ke liye hai. Clear? So my dear friends, higher order derivative, and so this is trick number JEE super trick. So that is 11, already we have discussed 10 JEE super tricks. You can collect them from N button or from I button. So my dear friends, clear? This type of questions JEE exam mein zyadatar pucha jata hai. Ek higher order derivative se ek questions 2010 mein pucha tha. Clear? If this, then find the JEE advanced mein pucha tha. Kyun ye question JEE advanced mein pucha tha aur JEE main mein bhi aa chuka hai. तो इसी टाइप का क्वेश्चंस का आने का पॉसिबिलिटीज है. आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. जब इस टाइप का क्वेश्चंस होगा, सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. अभी y 1 क्या होगा ना, 1 by 1 प्लस y 1 मींस क्या, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है. अभी क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसका साथ. सो दिस इज इक्वल टू 1 है. अभी इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई वन का डेरिवेटिव क्या है, वाई टू है. अभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ. अभी ये फिक्स्ड है, इसका डेरिवेटिव क्या है, वाई एक्स वाई वन. वन का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज जीरो है. सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा फंक्शंस तो आ गया. सो दिस इज इक्वल टू इज वाई, सो दिस इज इक्वल टू जीरो है. सो इसका जो वैल्यू है, क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू जीरो. ठीक है. नाउ जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सो दिस इज y1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. ये है 1, y1 है. ठीक है. अभी क्या है देखो, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 1. अभी इसका जो डेरिवेटिव है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का डेरिवेटिव क्या है, y2 है. अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 9 इंटू माइनस 2x इंटू वाई वन, दैट इज इक्वल टू 0 है. 2 टू कैंसिल है. ठीक है. अभी इसका साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू है माइनस एक्स वाई वन. सो इसका वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज जीरो है. सो माई डियर फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ दिस, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. एक्चुअली जनरली क्या है देखो, तो यार इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन चार ऑप्शंस होगा. ठीक है. मैं वो राइट ऑप्शंस को पकड़ के इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहा हूँ. सो माई डियर फ्रेंड्स, अप्रोच ए है. ठीक है. अभी जैसा इसके लिए भी, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देन 4 ऑप्शन इज देयर. जब ऐसा होगा देखो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सो दिस इज 2x 2y y डैश इक्वल टू 0 है. 2 से एलिमिनेट कर दो, y y डैश इक्वल टू 0 है. x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है. अभी क्या है, y डैश का डेरिवेटिव. ठीक है. y डबल डैश, अभी इसका डेरिवेटिव y डैश. सो दिस इज y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0 है. अभी इसको अरेंज कर दो, y इंटू y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन JEE एग्जाम में पूछा जाता है. आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. क्लियर? प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. इफ़ यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉपरली, सो माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्च्यून. क्लियर? सो इट इज़ पॉसिबल ओनली वेयर इफ़ यू डू हार्ड वर्क through a proper guide. Clear? Through a right directions. So my dear friends, if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel Rest to IIT. Thank you very much for watching my video. That's all.